देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं हाँ शेफाली। पंजाब का बजट आया वह आए हुए दो दिन हो चुके हैं, पर इस नाल पंजाब सरकार ने ऐतकी व्यापारियों नूं थोड़ी राहत दित्ती है। कोविड की गल करिए तो इस दुकानदारों दुकाना बंद करन की गल की सी, काफ़ी देर तक दुकाना बंद भी रही सी, पर हुण इस बजट दे विच दुकानदारों के लिए एक राहत भरी गल हुई है कि पंजाब सरकार ने कहा 365 दिन यानी कि 24 घंटे 365 दिन दुकाना खोल सकदियां ने। साडे नाल कुछ दुकानदार जुड़े हुए ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां। सर, बजट दे नाल क्या गया वा कि हुण 365 दिन 24 घंटे दुकाना जिहड़ियां खुल सकदियां ने? देखो जी, दुकाना का खुलन का बजट दे विच कहता इन्होंने, मैनू सुन दे विच आया भी ये जिहड़ियां दुकाना ने किसे कई शहरां दे विच कहिंदे ने भी रात का करफ्यू लाया जाए। मैनू समझ नहीं आ रही भी सरकार तरक्की वाल जा रही है या डोबण वाले पास जा रही है। मसा मसा लाइनों के उत्ते कम चलिया, हुण हर मार्केट के थोड़ी खुशहाली आई है चेहरे पर, गाहक के चेहरे पर भी आ, दुकानदार के चेहरे पर है। जिहड़े बहाने ला रहे ने जां करोना का ला रहे ने, मैनू समझ नहीं आउंदी जिहड़ा रात नूं करफ्यू ला रहे ने कि रात नूं उल्लू बन गया करोना, भी उहनूं रात नूं दिखदा दिन नूं कुछ नहीं दिखदा। ये हासोहीणियां गल्लां करदी है गौरमेंट, जो भी करदी है, जो गौरमेंट नूं चाहीदा वो अपनी तरक्की वास्ते करे, लोगों की हिफाजत वास्ते करे, कुछ तक हमायत वास्ते करे। समझ नहीं आती गौरमेंट बैठी की हुक्म फरमान कर देती है, जिवें पता ही कख नहीं हुंदा। एक छोटे बच्चे नूं पुछ लो भी की करना, वह भी दसूगा मैं स्कूले जाना, पढ़ना, तरक्की करनी है, पर साडी गौरमेंट तरक्की वाले पास जा नहीं रही। वह इहो फरमान जारी करती है भी सानूं डोबण ते लक मन्निया, होर कुछ नहीं हैगा। कोविड तो निकलते हुए क्योंकि दुकाना काफ़ी देर तक बंद रही हैं, कि तुहानूं लगता कि ये उपराला जिहड़ा सरकार ने किया सीगा कोविड दे विच, जिन्ना भी सानू पिछा घाटा पिया वा उसका हरजाना हो सकता सी इस दे विच? देखो, हरजाना तो गौरमेंट ने ही झलिया, मैं नहीं कहता गौरमेंट नहीं, जिन्ना चिर तक आप किसी चीज़ तो अनजाण होंगे तो वह फैसले गलत या सही ले जाते हैं, उस उत्ते मैं ना सरकार को दोषी ठहराना ना पब्लिक को। देखो, पब्लिक ने भी साथ दिता, पर अज आप उस चीज़ बारे पूरा जान चुके हैं भी किस मतलब मुकाम से आप पहुँच चुके हैं, तो उस चीज़ में आप बार बार दोहराइए चंगी गल नहीं हैगी। ये गौरमेंट ने भी सोचना चाहिए। सो तुसीं की देखते हो इस तरीके ना कि बजट जिहड़ा है उस दे विच हुण दुकानां खुल सकदियां ने, कि राहत भरी गल दुकानदारां दे लई नज़र आ रही है तुहानूं? देखो जी, गल ये है कि 4 साल हो गए सरकार नूं, सरकार दा 5वां साल है, और हुण उन्होंने खुले गफ्फे वंडने हैं, खुले गफ्फे वंडन की तैयारी की हुई है। हुण जान जान के इन्होंने इस तरह दीआं गल्लां करनीआं, सिर्फ दिखावटी गल्लां, जिहदे नाल इदां नज़र आवे कि लोगों नूं बहुत वड्डी असीं राहत दे रहे हैं, असीं बहुत वड्डी लोगों की लोक हितैषी पार्टी हाँ, असीं लोक हितैषी सरकार हाँ, ये बिल्कुल गलत है। ये कहिंदे रात नूं जिहड़ा वा कुछ कुछ जिहड़े शहर ने उन्हां च करफ्यू लाया, रात नूं करफ्यू लाने का मतलब की है? असीं घरे सुते पए हाँ, असीं तां वैसे ही करोना तो दूर हाँ, असीं आपने घरे सुते पए हाँ। मेन करोना उत्थे हो सकता जिथे बहुत ज़्यादा भीड़ होवे, साफ सुथरी जी गल है, जिथे इकट्ठ होवे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होवे, जिवें कि सरकारां दीआं रैलियां, चाहे आपां कैप्टन साहब की रैली की गल करिए, कल साडे असीं इत्थे खड़े घंटा घर चौंक दे कोल, बिल्कुल साडे नेड़े ही कांग्रेस दफ्तर है, जे तुसीं दिखा भी सको तो दिखा दिओ। कल वूमेन डे सीगा, तो जिन्नियां भी लुधियाने शहर दीआं लेडीज़ सीगियां, जिहड़ियां मेन मेन लेडीज़ है, कुछ सफाई कर्मचारी लेडीज़ सीगियां और कुछ कांग्रेस दीआं लेडीज़ सीगियां, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया, उत्थे कोई करोना नहीं सीगा जी। उस तो बाद किसी ने मास्क नहीं सी पाया, उत्थे कोई करोना नहीं है। क्यों करोना नहीं है जी? क्योंकि वो कैप्टन सरकार दे बंदे ने, कैप्टन सरकार दे पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का दफ्तर है, शहरी दफ्तर है कि पेंडू दफ्तर उत्थे ही बनया घंटाघर के कोल, उत्थे कोई करोना नहीं आता। करोना उदों आना जो सारे ने अपने अपने घर बैड बिस्तरियां ते सो जाना, उदों करोना ने आना, उदों शहरां दे विच करोना ला देना। हुण इन्होंने कहता जी असी 24 घंटे दुकाना खोलांगे जी, 24 घंटे कौन दुकाना खोलता जी? पहली तो गल है असी 8-10 घंटे दुकाना खोल ली, बहुत वड्डी गल, कारोबार की बहुत बुरी इस्टम हालत हुई पी आ, कारोबार का 2-4 घंटे का रह चुका वै, 10 घंटे की तो गल छड़ दिए। दूसरा नंबर कुछ इस तरह के बंदे आ जिन्हों का रात को काम चलता सीगा, उन्होंने जी पुलिस है प्रशासन है बड़ी सख्ताई के नाल उन्होंने चोरों की तरह देखता भी है, रात को दुकाना खोलते हैं, ये चोर ने नहीं, ये व्यापारी है। असी सारे व्यापारी हाँ, सानू पहली तो साड़ी यह गुजारिश है सरकार को, सानू चोरों की तरह ना देखा जाए, कुछ सरकार की नीयत ये भी है। ये जिन्हें भी खास करके दुकानदार ने और व्यापारी ने, यह गौरमेंट दे कमाऊ पुत ने, इन्होंने कमा के थोनू देना वै, तो सारियां नू सबसिडीज़ मिलनी है, सारा जो कारोबार दे नाल ही पूरा जिहड़ी अर्थव्यवस्था कल्ले पंजाब दी नहीं टोटल इंडिया दी चलनी है। सो साडी गुजारिश तो यही है
कि गवर्नमेंट नूं ये चाहीदा वा कि इस तरह दीआं पॉलिसीज़ लै के आन जिहदे नाल व्यापार नूं तरक्की मिले, क्योंकि जे व्यापार नूं तरक्की मिलेगी तो ही सारा जिहड़ा हिंदुस्तान है वह तरक्की करेगा। एक गल मैं तुहानूं होर कहनी चाहुंदा स्कूलां दे उत्ते, मेरे वल्लों बेनती है कि स्कूलों के पेरेंट्स नूं, जिन्हें भी बच्चों के पेरेंट्स ने, उन्होंने किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई। बेनती है कि वह भी कुछ वो बारे भी ध्यान दियो रियायत बारे। एक होर चीज़ आ, हले हम स्कूल खुले हुए, छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटिया गुड़िया ने 4th च पढ़दियां ने, वह स्कूल जा रही हैं, उत्थे कोरोना का जिहड़ा वा आन दे चांसिस वध ने, उन्हां दा डिस्टेंसिंग दा और सफाई दा और कड़ाई दा पूरी तरीके ना कड़ाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए है कि ता कि छोटे छोटे बच्चों कोई भी रिस्क वाली गल ना हो। साडी मजबूरी है, असी अपने बच्चे स्कूल भेजने, असी कहने घर साल हो गया, बच्चे घर बैठे, उन्होंने पढ़ाई का इन्ना लॉस हो गया, भी असी उन्होंने स्कूल भेजिए ता कि वो कुछ काम करन। हुण गवर्नमेंट नूं चाहीदा वा कि बच्चों बारे ध्यान दिओ, व्यापारियों वाले ध्यान दिओ, आम गरीब बंदे बारे ध्यान दिओ, जिहड़े किसान उत्थे बैठे ने रो पिट रहे ने उन्हां बारे भी ध्यान दिओ, क्योंकि असी जिहड़े आ सरकार दे बच्चे आ। जो सरकार इस टाइम माँ है साड़ी, साडा माँ है, साडा प्यो है, चाहे वह केंद्र सरकार है चाहे वह स्टेट की सरकार है, वो साडे माँ प्यो ने, उन्होंने चाहिए वा कि साडा जिहड़ा ध्यान देन, साडे बारे कोई सोचन। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਫਾਲੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ 17-time ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84-374-94-647, 84-374-94-648। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਗਾਲੀ 21 ਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਗਰੰਟੀ, ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਨਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਫੋਨ 95-603-92-450, 95-603-92-451। ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98-768-045-48-88-86-517।